नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गणेश जी की पूजा करते समय भूलकर भी ना करें ये पांच गलतियां, वरना होगा बड़ा नुकसान। दोस्तों गणेश चतुर्थी हो या विनायक चतुर्थी या फिर रोज सुबह शाम गणेश जी की पूजन करते हो तो उस समय गणपति के पूजन में हम सबको कुछ सावधानियां बरतनी होती है। अगर हम उन बातों का ध्यान नहीं रखें तो भगवान गणेश नाराज हो जाएंगे और फिर आपका अनिष्ट हो सकता है। ऐसे ही हम पूजा के दौरान गणेश जी को उनके पसंद की चीजें अर्पित करें तो वे जल्द प्रसन्न होंगे और हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर देंगे। आइए जानते हैं गणेश जी के पूजन में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों यदि गणपति की मूर्ति के पास अंधेरा है तो उनकी मूर्ति को स्पर्श ना करें। अंधेरे में भगवान की मूर्ति को छूना महापाप माना जाता है। दोस्तों गणपति के पूजन में गलती से किसी भी व्यक्ति को नीले और काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। घर में बप्पा की नई मूर्ति पूजा में इस्तेमाल करना है तो पुरानी को विसर्जित कर दें, एक साथ दो मूर्ति घर में ना रखें। दोस्तों गणेश जी की पीठ का दर्शन भूलकर भी ना करें, इससे दरिद्रता आती है। गजानन को पूजा में कभी भी तुलसी का पत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। तुलसी ने उन्हें लंबोदर तथा गजमुख कहा था और उनको शादी का प्रस्ताव दिया था, इससे नाराज होकर गणपति ने उनको श्राप दे दिया था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जानकारी जिसमें था गणेश जी की पूजा करते समय भूलकर भी ना करें ये पांच गलतियां, वरना होगा बड़ा नुकसान। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारियां पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नई वीडियो में ऐसे ही नई रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।